अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं हूं पाकिस्तान और मैं हूं आपकी आवाज़। आज हमने जिस तहरीर को आपके लिए मुंतखब किया है उस तहरीर का उन्वान है बेटा मरा था बेटी हुई है, हम वहीं के वहीं हैं। नवाज सरकार भी बेनवाज निकली और इस तहरीर को लिखा है मिजार खोहारों ने। लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के लिए आवाम ने जिस बेचैनी के साथ पौने चार साल गुजारे वो तो उनको ही मालूम है। इन पौने चार सालों में इमरान खान और उनकी जमात ने जो आवाम का हाल किया उस पर तो माशी माहिरीन और पाकिस्तान का पूरा मीडिया, सिर्फ चार एंकर्स और दो टीवी चैनल्स को छोड़कर बाकी सब न सिर्फ हैरान थे पर परेशान भी थे और दुआगो भी थे कि कब इन्हें इनके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा से छुटकारा नसीब हो। इन पौने चार सालों के दौरान तेल की कीमतें डबल हो गई, गैस की कीमतें लगभग 500 गुना बढ़ गई, बिजली की कीमतें पेट्रोल की तरह हर महीने दो महीने में बढ़ती रही जो कि बढ़ते बढ़ते कमोबेश डबल हो गई, डॉलर 200 रुपये से तजावज़ कर गया। ये मईशत के वो सारे बुनियादी फैक्टर्स हैं जिनकी कीमतों में किया गया मामूली इजाफा महंगाई में दुगना इजाफा कर देता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से किए गए इन चीज़ों में इजाफे का असर बाकी हुकूमतों से आवाम पर दुगना होता था क्योंकि इमरान खान समेत आधी काबीना अनाड़ियों से भरी हुई थी बाकी आधी खिलाड़ियों से। तहरीक इंसाफ की काबीना में दो किस्म के लोग मौजूद थे, एक वो थे जो ना सिर्फ हुकूमत और हुक्मरानी से नावाकिफ़ थे पर अपनी ज़ात में सियासी मईशत दानिश और दानिश व फहम से भी पैदल थे और वो मुकम्मल ब्यूरोक्रेसी के रहम पर थे और जो बाबू लोग इनको जैसे चलाते थे ये कर गुजरते थे और वो जैसे कहते थे इनके लिए हुर्फ आखिर हुआ करते थे। दूसरे वो लोग काबीना का हिस्सा थे जो बहुत ही सीनियर और पुराने खिलाड़ी थे और साथ ही लोटे भी थे जिनका तहरीक इंसाफ आर्जी और जबरी ठिकाना था और वो हर हुकूमत को ना सिर्फ हिस्सा बनते रहे हैं मगर काबीना का भी हिस्सा रह चुके थे। इनकी तो अल्लाह ने सुन ली थी कि इमरान खान जैसे अनाड़ी वजीर आज़म और कम फहम काबीना के मिम्बरान इनको मिल गए थे और उन्होंने बड़े आराम से पैसे बनाना और अपना काम पूरा करना शुरू कर दिया था और वजीर आज़म इमरान खान की हाँ में हाँ मिलाते रहे और इमरान खान जैसे खुद पसंद वजीर आज़म की खुशनीदी हासिल करते रहे। ऊपर से सोने पर सुहागा ये हुआ कि इनको वजीर ख़जाना भी इम्पोर्टेड मिला और भाई साहब भी किसी एजेंडे पर थे तो सबको एक खुला मैदान मिल गया आवाम को रगड़ा देने का। रिश्वतखोरी, कारबाजारी, इकरापा परवरी और कम अकली के नतीजे में पाकिस्तान जैसा एटमी मुल्क दिवालिया होने के सिर्फ दो महीनों से दूर था। जैसे तैसे करके या न्यूट्रल्स की मेहरबानियों से बेचारे आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होलोकास्ट से जान छुड़वा ली और जमहूरियत के दाई और मईशत के कारीगरों की हुकूमत कायम हो गई। इस हकूमती तब्दीली के लिए लोगों ने नवाफिल अदा किए और हुकूमत से बेहतरी की उम्मीदें पैवस्ता करना शुरू कर दी। नई हुकूमत के आने से भी फिलहाल आवाम को रिलीफ मिलता नज़र नहीं आता क्योंकि भाई लोगों ने भी आते ही पीटीआई की तरह आईएमएफ को माई बाप कह डाला और उनकी ही सुनने लगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, गैस महंगी करने का इशारा दे दिया तो बिजली घरों के मालिकान को भी कहा गया है कि इस माह रवां में बिजली के नरखों में भी इजाफा किया जाएगा। नतीजे में आवाम की पीठ है और महंगाई के कोड़े जो बरसते ही रहते हैं और रुकने का नाम ही नहीं लेते। इस हुकूमत के आते ही पाकिस्तान में तमाम चीज़ें खासतौर पर अशिया खुर्दनोश और अद्वियात महंगी होनी शुरू हो गई हैं। कल भी आवाम रो रही थी और आज भी आवाम रोने पर मजबूर है और महंगाई और बेरोज़गारी और लाचारी के मारे लोग तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत को देखकर रोते हैं और कहने पर मजबूर हैं कि ये क्या हुआ, मतलब बेटा मरा बेटी पैदा हुई और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।